ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे मेरे एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी, और मुझे एक चीज पता था, और वो ये थी कि भाई दुनिया को रिजल्ट नहीं दिखता। दुनिया को ये नहीं दिखेगी कि तुमने आज रात में कितना देर जागा, दुनिया को ये नहीं दिखेंगे कि तुमने 100% सिलेबस पढ़ के, दुनिया को ये भी नहीं दिखेगा कि चाहे आपने 4 दिन खाना नहीं खाया है, नींद पूरी नहीं ली, दुनिया को ये जरूर दिखेगा कि भाई तेरा रिजल्ट क्या हुआ, भाई तूने इतना एफर्ट्स किया, तो 1 साल पढ़ा, 6 महीने पढ़ा, दुनिया ये बोलेगी कि भाई तूने इतना टाइम डाला, रिजल्ट क्या आया। गाइस मैं एक चीज बताऊं, रिजल्ट जो भी आया उससे फर्क नहीं पड़ता आपको, लोग आप पे प्रेशर डालते हैं, और ये सब चीजें ना हो, राइट, इस माया जाल से बाहर निकलने का समय अभी है। नाउ इज द राइट टाइम। इफ यू स्टिल वेस्टिंग योर टाइम, इफ यू स्टिल इन्वेस्टिंग योर टाइम इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, ट्रस्ट मी गाइज, आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट इन टू दैट ट्रैप अगेन। इवन यू डोंट वॉन्ट, आप भी नहीं चाहते हो कि यार ये माया जाल में आप फिर से जाओ और रिश्तेदारों के पास जाओ। आप अब ये चाहते हो कि लोग मेरी तारीफ करें, आप अब ये चाहते हो कि लोग मेरी इज्जत करें, आप ये चाहते हो कि मैं भी कुछ 4 पैसे कमाऊं, राइट। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी पढ़ाई 100% कंप्लीट करेंगे। आप अपने नाम के आगे वो 2 शब्द लगा के सोचेंगे कि भाई मैं भी कंपनी सेक्रेटरी, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा। और ये वो टाइम है जब आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। और इसीलिए मैं एक चीज कहता हूं, ना थके हैं पैर कभी, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर कभी, ना कभी हिम्मत हारी है। जुनून है जिंदगी में बनने का कुछ, जुनून है जिंदगी में बनने का कुछ, इसलिए सफर अभी हमारा जारी है। ठीक है, आप में जुनून होना चाहिए और एक अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि मैं इस बार फोड़ूंगा, मैं इस बार अपना गोल अचीव करूंगा, और आप करोगे क्योंकि हमारा सफर अभी जारी है। ठीक है गाइस, बढ़िया से बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट। और टेंशन वेंशन लेने का इस बार हम फोड़ के दिखाएंगे। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, प्लीज उस पर भी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे वैकेंसीज प्लेसमेंट्स चालू हो चुके हैं, तो उस चीज के लिए मैं चाहता हूँ कि आपको मिस आउट ना हो, आफ्टर एग्जाम्स आप उसका भी फायदा उठा पाएं।